हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायो एडिक्टेड। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूँ डॉक्टर वाईएस परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन के बारे में। क्या रही थी लास्ट ईयर कट ऑफ, इस ईयर किस संभावित रैंक तक ये कॉलेज अलॉट हो सकती है, वन बाय वन बात करने वाला हूँ डिफरेंट कैटेगरीज के लिए कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गई थी और किस रैंक तक आपको ये कॉलेज अलॉट हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए ये कॉलेज 523 मार्क्स पर लास्ट ईयर अलॉट हुई थी, जिस स्टूडेंट की एचपीयू रैंक थी 387। अगर आपकी इस बार एचपीयू रैंक 387 के अराउंड बन रही है तो आपको ये कॉलेज इजीली अलॉट हो सकती है जनरल कैटेगरी से। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी में ये कॉलेज 513 मार्क्स पर अलॉट हुई थी। उस स्टूडेंट की अगर एचपी रैंक की बात करें तो वो थी 450 और उसकी जो ओबीसी कैटेगरी में रैंक बन रही थी वो थी 38। यानी कि अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी में 38 के अराउंड रैंक बन रही है तो आपको ये कॉलेज इजीली अलॉट हो सकती है। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर ये कॉलेज 464 मार्क्स पर अलॉट हुई थी। उस स्टूडेंट की अगर एचपीयू रैंक की बात करूँ तो वो थी 857 और अगर उस स्टूडेंट की मैं कैटेगरी रैंक की बात करूँ तो वो थी 78। यानी कि एससी कैटेगरी में एचपीयू रैंक 857 के अराउंड और कैटेगरी रैंक जो उसकी है 78 के अराउंड ये कॉलेज जो है अलॉट हुई है लास्ट ईयर। इसके बाद बात करते हैं एसटी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में ये कॉलेज 470 मार्क्स पर अलॉट हुई थी। उस स्टूडेंट की अगर एचपीयू रैंक की बात करूँ तो वो थी 800 और उस स्टूडेंट की अगर एसटी कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूँ उसकी रैंक की तो वो थी 34। यानी कि अगर आपकी एसटी कैटेगरी में 34 के अराउंड रैंक बन रही है तो आपको ये कॉलेज ईजिली अलॉट हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में। इस कैटेगरी में ये कॉलेज 471 मार्क्स पर अलॉट हुई थी लास्ट ईयर और उस स्टूडेंट की अगर एचपीयू रैंक की बात करूँ तो वो थी 790 और उस स्टूडेंट की अगर ईडब्ल्यूएस रैंक की बात की जाए तो वो थी 51। यानी कि अगर आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 51 के अराउंड रैंक बन रही है तो आपको ये कॉलेज ईजिली अलॉट हो सकती है। याद रहे ये सारा डाटा सेकेंड राउंड तक का है, तो फर्स्ट राउंड में अलॉट ना हो तो सेकेंड राउंड में ज़रूर से आपको अलॉट हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए। सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में लास्ट ईयर ये कॉलेज 496 मार्क्स पर अलॉट हुई थी। 496। उसके बाद अगर उसकी मैं बात करूँ एचपी रैंक की तो वो थी 589 और उस स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ सिंगल गर्ल चाइल्ड में कैटेगरी रैंक तो उसकी थी 14। यानी कि सिंगल गर्ल चाइल्ड में अगर आपकी 14 के अराउंड रैंक बन रही है तो आपको ये कॉलेज इजीली अलॉट हो सकती है। इसके बाद बात करता हूँ मैं चाइल्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन। चाइल्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में ये कॉलेज 200 मार्क्स पर अलॉट हो गई थी। 200 मार्क्स लो स्कोर है लेकिन अलॉट हो गई थी, क्योंकि कई बार प्रिफ्रेंस जो होती है स्टूडेंट्स अच्छे से चूज़ नहीं कर पाते हैं और जो अच्छे से प्रिफ्रेंस चूज़ कर लेता है उसको कम मार्क्स पर भी अच्छी कॉलेज मिल जाती है कई बार। तो ये चाइल्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन में 200 मार्क्स पर अलॉट हुई थी और साथ ही अगर मैं उसकी बात करूँ एचपी रैंक की तो वो थी 2491 के अराउंड और उस स्टूडेंट की अगर मैं चाइल्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में रैंक की बात करूँ थी तो वो थी 69। उसके बाद बात करता हूँ चाइल्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल। चाइल्ड ऑफ डिफेंस पर्सन के अंदर ये कॉलेज 493 मार्क्स पर अलॉट हुई थी। उस स्टूडेंट की अगर एचपीयू रैंक की बात करे थे वो थी 607 और उस स्टूडेंट की अगर चाइल्ड ऑफ डिफेंस पर्सन कैटेगरी में रैंक की बात करें तो वो थी 8। अगर आपकी चाइल्ड ऑफ डिफेंस पर्सन कैटेगरी में रैंक 8 के अराउंड बन रही है तो आपको डॉक्टर वाईएस परमार कॉलेज इजीली अलॉट हो सकती है। उसके बाद बात करता हूँ वर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर। वर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में ये कॉलेज 333 मार्क्स पर कॉलेज अलॉट हो गई थी लास्ट ईयर। इसकी जो एचपी रैंक थी वो थी 1878 और इसकी अगर मैं फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में रैंक की बात करूँ तो फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में उसकी रैंक थी 4। अगर आपकी फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में रैंक 4 के अराउंड बन रही है तो आपको ये कॉलेज ईजिली अलॉट हो सकती है। उसके बाद बात कर लेते हैं बैकवर्ड एरिया कैटेगरी में। बैकवर्ड एरिया में ये 475 मार्क्स पर अलॉट हुई थी। उसके बाद अगर बात करें एचपी रैंक की उसकी तो वो थी 457 के अराउंड और उसकी बैकवर्ड एरिया कैटेगरी रैंक की बात करें तो वो थी 11। अगर आपकी बैकवर्ड एरिया कैटेगरी में रैंक 11 के अराउंड बन रही है तो आपको ये कॉलेज ईजिली अलॉट हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं पीडब्ल्यूडी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में। तो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में ये कॉलेज 287 मार्क्स पर अलॉट हुई थी
उस स्टूडेंट की अगर एच पी यू रैंक की बात करें तो वो थी 2137, और उस स्टूडेंट की अगर मैं इस कैटेगरी में रैंक की बात करूँ पी डब्ल्यू डी कैटेगरी में, उसकी रैंक सेकंड थी। वैसे पी डब्ल्यू डी कैटेगरी की बहुत सारी सीटें वैकेंट रह जाती है जो बाद में कन्वर्ट हो जाती है एस सी एस टी ओ बी सी या जनरल सीट में कन्वर्ट हो जाती है लास्ट में। तो इस कॉलेज का जो सिनेरियो पी डब्ल्यू डी कैटेगरी के लिए था वो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर दिया है। अब बात करते हैं चाइल्ड ऑफ तिब्बतियन रिफ्यूजेस। चाइल्ड ऑफ तिब्बतियन रिफ्यूजेस कैटेगरी में ये कॉलेज 394 मार्क्स पर अलॉट हुई थी। उस स्टूडेंट की अगर एच पी यू रैंक की बात करो तो वो थी 1514 के अराउंड, और अगर उस स्टूडेंट की चाइल्ड ऑफ तिब्बतियन रिफ्यूज कैटेगरी में रैंक की बात करें तो वो थी 3। यानी कि अगर आपकी चाइल्ड ऑफ तिब्बतियन रिफ्यूज कैटेगरी में रैंक 3 के अराउंड बन रही है तो आपको ये कॉलेज इजीली अलॉट हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं NRI नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। इस कैटेगरी में ये कॉलेज 150 मार्क्स पर अलॉट हो गई थी। कितनी असमंजस बात है कि जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट है 500 मार्क्स का वो कॉलेज से वंचित रह जाता है, और NRI कैटेगरी में ये कॉलेज 150 मार्क्स पर अलॉट कर दी जाती है। और उसकी अगर HPU रैंक की बात करूँ तो वो थी 2663 के अराउंड, तो 2663 के अराउंड ये कॉलेज अलॉट हुई थी। उसके अलावा उसकी अगर NRI कैटेगरी में बात करूँ तो NRI कैटेगरी में उसकी HP में रैंक थी 14। यानी कि अगर आपकी NRI कैटेगरी में HP के अंदर रैंक 14 के अराउंड बन रही है तो आपको ये कॉलेज इजीली अलॉट हो सकती है। तो ये मैंने आप सभी के साथ डिस्कस की डॉक्टर YS परमार की 1x1 कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रही है। इस साल भी ये कट ऑफ इसी के अराउंड रहने वाली है, रैंक नहीं बदलेंगी, रैंक इसी के अराउंड फ्लक्चुएट करेंगी, स्कोर बढ़ भी सकता है थोड़ा बहुत इस बार, क्योंकि इस बार रैंक थोड़ा आगे सरक गई है तो स्कोर बढ़ सकता है, लेकिन रैंक यही रह सकती है। तो अगर आपकी इसके अराउंड रैंक बन रही है तो आपके चांसेस अच्छे हैं ये कॉलेज मिलने के। तो ये बात की मैंने डॉक्टर YS परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन के बारे में जो कि सिरमौर में मौजूद है। इसके अलावा वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आपका कोई भी डाउट होगा कन्फ्यूज़न होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा तब तक के लिए मैं आप सभी का दोस्त रवि आप सभी से लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।